कप्तान जरा तू भी सुन, परवेज इलाही गाने लगे जरदारी हुकूमत के गुण। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आजम को इत्तेहादियों पर शक करने की बजाय बात की तस्दीक करने का मशवरा दे दिया। पंजाब के मसाइल की जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार पर डाल दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि वजीर आजम इत्तेहादियों को शक की निगाह से ना देखें, जो बात हो पहले तस्दीक किया करें। मुज़ाकरात के जरिए फजलुर रहमान से धरना खत्म कराया, लेकिन हौसला अफजाई की जगह उल्टा हम पर शक किया गया। ताहम साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ मखलूत हुकूमत का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो किसके साथ मिलकर चलना चाहते हैं ये बड़ा सवाल है। अगर हुकूमती टीम अच्छी नहीं तो ये इमरान खान के लिए लम्हे फिक्रिया है। हुकूमत को 1.5 साल हो गया, वजीर आजम को सोचना होगा। पंजाब के मसाइल पर परवेज इलाही का कहना था कि वजीर आला उस्मान बुज़दार को समझाया था कि पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां ना करें। उसके अलावा मैंने इन्हें मशवरा दिया कि सिंध की गंदम पंजाब आने दें, लेकिन उन्होंने मेरे मशवरे को नजरअंदाज कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि निचली सतह पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, पंजाब की तकसीम के हक में नहीं है। सूबे में मसाइल है तो किसी हद तक कसूर उस्मान बुज़दार का भी है। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब हुकूमत बनाने की कोई बात नहीं हुई। नून लीग नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि सियासत और वोट नवाज शरीफ के हैं, जबकि शहबाज शरीफ के इख्तियार में कुछ नहीं। वो नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुस्तकबिल में सियासी बागडोर मरियम नवाज संभालें।